विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अद्भुत है मनसा का ये रूप, अवश्य उसके पीछे कोई उद्देश्य छिपा है। नियति समय के अनुसार ही घटती है और व्यक्ति के उद्देश्य को पूर्ण करती है। असंभव को संभव किया है मनसा ने। हलाहल के विषैले प्रभाव को दूर कर मनसा ने उसे महादेव के लिए सहनीय बना दिया है। पुत्री मनसा, पुत्री मनसा, तुमने ये क्या किया? स्वयं को इतने कष्ट में क्यों डाला? पिताश्री, संतान कोई भी हो, उसका परम कर्तव्य और धर्म माता पिता का कष्ट दूर करना होता है। मुझे जो करना चाहिए था मैंने वो ही किया पिताश्री। मैंने अपना धर्म और कर्तव्य निभाया। कर्तव्यनिष्ठ संतान अपने माता पिता का मान बढ़ाती है, अपने सुखों का भी त्याग कर उनके जीवन के सभी दुख दूर करती है, उन्हें हर समय हर प्रकार के सुख देती है। ऐसी संतान प्रशंसा के ही नहीं अपितु वरदान की योग्य है। पुत्री मनसा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम पर कभी भी किसी प्रकार के विष का कोई प्रभाव नहीं होगा, कि तुम पर कभी भी किसी प्रकार के विष का कोई प्रभाव नहीं होगा। जो सभी की पीड़ा हरते हैं, तुमने उनकी पीड़ा हर संसार के सामने अत्यंत श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है पुत्री। ऐसे विष को ग्रहण किया है आपने, जिसे समस्त संसार में एकमात्र देवाधिदेव महादेव ही ग्रहण कर सके हैं। इसलिए आज से आप विष हरि के नाम से भी जानी जाएंगी। जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होगी वो सभी प्रकार के विष के प्रभाव से मुक्त होगा। हे ब्रह्मदेव, हे श्री हरि नारायण, आपके वरदानों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है, जिसके लिए मैंने कोई भी वरदान पाने की अपेक्षा नहीं की थी। पुत्री, अपने पिता के प्रति ऐसा अपार प्रेम, ऐसी निष्ठा अत्यंत दुर्लभ है। निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने प्राणों को त्याग करने को तत्पर रहने वाली पुत्री तो सभी वरदानों के अधिकारी है, किंतु तुम्हें एक अधिकार से वंचित रहना होगा। तुम्हें कैलाश में वास करने के अधिकार का त्याग करना होगा। तुम्हें यहां से जाना होगा। पुत्री मनसा को
कैलाश से जाना होगा। मैं तो बस यही कामना करती हूँ माता, कि मैं इसी प्रकार आप दोनों की छत्र छाया में रहूं। मुझे जाना होगा, किंतु क्यों पिताश्री? इतने समय के पश्चात मुझे आप दोनों के साथ रहने का सुख प्राप्त हुआ था, उससे आप मुझे वंचित कर रहे हैं। बताइए ना पिताश्री। अब तुम यहाँ पहुंच गई हो, अब तुम सदैव यही रहोगी हमारे साथ। माता, माता आप ही बताइए ना, आपने तो कहा था ना कि मैं सदैव आप दोनों के छत्र छाया में रहूंगी। यदि मुझसे कोई भूल हुई है माता, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए माता, किंतु कृपया मुझे आप दोनों से दूर जाने का आदेश मत दीजिए। नहीं पुत्री, अब तुम्हारा यहाँ रुकना असंभव है। तुम्हारा यहाँ से जाना ही तुम्हारी नियति है। किंतु माता, ये पिताश्री का कैसा न्याय था? जिस कार्य के लिए दीदी को वरदान मिले, सभी की सराहना की पात्र बनी वो, उसके परिणाम स्वरूप पिताश्री उन्हें ये कैसा दंड दे रहे थे? ऐसा क्या किया था उन्होंने? समय और संघर्ष के अनुसार शब्दों का अर्थ बदल जाता है पुत्र। उस समय स्वामी के वो शब्द मुझे भी शूल के समान चुभे थे, मुझे भी कुछ उचित नहीं लगा था, किंतु वो एक पिता है और संतान का उचित मार्गदर्शन पिता का परम धर्म होता है, तो स्वामी भी अपना धर्म निभा रहे थे। नहीं पुत्री, ना ही ये तुम्हारा दोष है, ना ही ये कोई दंड। हम ये जानते हैं कि पुत्री की निष्ठा और सेवा पुत्र से कहीं अधिक होती है। विवाह के उपरांत भी वो अपने माता पिता की कुशलता के लिए कामना करती ही रहती है, किंतु किसी भी माता पिता को अपनी संतान के उद्देश्य में बाधा नहीं बनना चाहिए। यदि तुम यहाँ रहोगी तो अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक नहीं रह सकोगी, इसीलिए तुम्हें जाकर अपना तप पुनः आरंभ करना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारे जीवन के अगले उद्देश्य का मार्ग दिखाई देगा। जिस प्रकार पिछली बार तुम्हारे तप के संपन्न होने के समय तुम्हारी भेंट मुझसे हुई थी, उसी प्रकार इस बार भी तुम्हारे किसी से भेंट का संयोग बनेगा, जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, विशेष होगा। यदि यही आपका आदेश है पिताश्री, तो आपकी पुत्री आपके आदेश का पालन अवश्य ही करेगी। मैं यहां से प्रस्थान कर पूर्ण निष्ठा के साथ अपना तप संपन्न करूंगी। पिताश्री, मुझ पर एक और कृपा करें। मैं किसका नाम लेके तप करूं? मुझे मार्गदर्शन दीजिए पिताश्री। पुत्री, मेरे आराध्य तो स्वयं श्री हरि नारायण है। मैं उनके तारक नाम राम का जाप करता हूँ, तुम उनके श्री कृष्ण नाम का जाप करो। उससे तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा उद्देश्य और उसके लिए उचित कर्म तुम्हें स्पष्ट होते जाएंगे और तुम भली भांति अपने कर्तव्यों को निभाने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकोगी। तुम्हारे तप के लिए मैं तुम्हें उचित मंत्र भी दूंगा, जिसे कल्पतरु कृष्ण मंत्र पुकारा जाएगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय नमः। अपने पिताश्री प्रभु महादेव से कल्पतरु कृष्ण मंत्र प्राप्त कर पुत्री मनसा ने तनिक भी विलंब नहीं किया,
वो सिख क्षण अपने तप के लिए पुष्कर चली गई और अपना तप आरंभ किया। ओम श्री ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। माता, हलाहल विष के प्रभाव से पिताश्री को मुक्त करने से अधिक बड़ा उद्देश्य और क्या हो सकता है? जिसके लिए दीदी मनसा को तप करने जाने पर विवश होना पड़ा। पुत्र, स्मरण करो महर्षि कश्यप ने क्या कहा था। पुत्री मनसा का जन्म एक नहीं अनेकों उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था और उसके जीवन का अगला उद्देश्य था नागों का उद्धार। समुद्र मंथन से एक दिव्य अश्व भी निकले थे, वो स्मरण है ना तुम्हें पुत्र? हाँ माता, उच्चैश्रवा। उसी उच्चैश्रवा को लेकर एक विचित्र घटना हुई पुत्र। महर्षि कश्यप की दोनों पत्नियां, सर्पों की माता कद्रु और गरुड़ की माता विनीता, दोनों में शर्त लगी। देवी कद्रु का मानना था कि उच्चैश्रवा अश्व की पूंछ काली थी और देवी विनीता के अनुसार उजली, और इस विवाद के कारण उन दोनों ने एक शर्त लगा ली। देवी विनीता, उच्चैश्रवा अश्व को लौटने दीजिए, फिर आपको मेरी सेविका बनने पर विवश होना ही पड़ेगा। सेविका तो आपको बनना होगा, क्योंकि जो मुझे ज्ञात है वही सत्य प्रमाणित होगा। किंतु शीघ्र देवी कद्रु को आभास हुआ कि उनकी दृष्टि से भूल हुई कि अश्व उच्चैश्रवा की पूंछ उजली ही थी, तो स्वयं को देवी विनीता की सेविका बनने के अपमान से बचाने के लिए उन्होंने अपने सभी पुत्रों यानी नागों को एकत्रित कर एक अनोखा आदेश दिया। अब इस शर्त पर विजय पाने के लिए तुम सबकी सहायता की आवश्यकता है मुझे। उच्चैश्रवा अश्व जब फिर यहाँ से जाएंगे तो तुम सब उनकी पूंछ पर लिपट जाना, जिससे उसका रंग काला दिखाई दे। किंतु माँ, क्या ये उचित होगा? तो क्या ये उचित होगा कि तुम्हारी माँ शर्त में पराजित होकर देवी विनीता के सामने सदा के लिए उनकी सेविका बनकर रहे? क्या यही चाहते हो तुम लोग? नहीं माँ, ये धर्म के विरुद्ध है, हम ये पाप नहीं कर सकते। ये सत्य होगा। शांत हो जाओ तुम सब। अपनी माँ का आदेश मानने के स्थान पर उनसे प्रश्न कर रहे हो? ऐसे पुत्रों से तो पुत्र ना ही हो तो ही अच्छा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ अग्नि में गिरकर तुम सब का अंत होगा। देवी कद्रु, ये क्या कर दिया आपने? देवी, क्रोध एक ऐसा श्राप है जो मनुष्य स्वयं को देता है, और आपने अपने क्रोध के आवेश में अपने पुत्रों के वंश के नष्ट होने का ही श्राप दे दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम सबका अंत होगा। माँ, मैं अपने सभी भ्राताओं की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ, हम आपका अपमान नहीं करना चाहते थे माँ, बस आपको अनुचित मार्ग पर जाने से रोकने के लिए सचेत कर रहे थे। ये तो माता कद्रु से बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। श्राप को लौटाने का तो कोई उपाय नहीं होता, और यदि ये श्राप फलित हो जाता तब तो सभी सर्प मारे जाते, तो फिर इस परिस्थिति से बचने का क्या उपाय था माता? एक उपाय है। क्या उपाय है माता? महाराज जन्मेजय का यज्ञ अत्यंत शक्तिशाली होगा, जिसके प्रभाव से नागों की रक्षा कोई तपोशक्ति ही कर सकती है। इसके लिए कोई तपस्वी कन्या जिस पर किसी भी प्रकार के विष का कोई प्रभाव ना हो,
वो ब्रह्मचारी ऋषि से विवाह कर एक दिव्य संतान प्राप्त करे, तो वही दिव्य संतान महाराज जन्मेजय के यज्ञ के प्रभाव से मेरे पुत्रों नागों की रक्षा कर सकेगी। अर्थात माता कद्रू के नाग पुत्रों को इस श्राप से दीदी मनसा का पुत्र ही बचा सकता था। हाँ पुत्र, ऋषि कश्यप की मानसिक कल्पना से मनसा की उत्पत्ति का ये भी एक प्रमुख कारण था, किंतु अभी किसी योग्य ब्रह्मचारी ऋषि से उनका विवाह होना शेष था। किंतु उसके लिए दीदी मनसा को तप पर जाने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि जैसे स्वामी ने कहा था, इसी तप के परिणाम स्वरूप पुत्री मनसा की भेंट उसके योग्य वर से होने वाली थी। पिछली बार तुम्हारे तप के संपन्न होने के समय तुम्हारी भेंट मुझसे हुई थी, उसी प्रकार इस बार भी तुम्हारे किसी से भेंट का संयोग बनेगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। स्वामी, क्या यही वो ब्रह्मचारी ऋषि है जिनसे पुत्री मनसा का विवाह होगा? हाँ प्रिय, ऋषि जरत्कारु ही हमारी पुत्री के लिए योग्य वर है। उनसे विवाह के उपरांत हमारी पुत्री नागों की रक्षा में समर्थ होगी। प्रणाम प्रभु महादेव। कल्याण हो प्रभु। नागवंश के उद्धार हेतु मुझे देवी मनसा का विवाह प्रस्ताव लेकर ऋषि जरत्कारु के पास जाने की अनुमति दीजिए। वो आपकी पुत्री हैं। ये ज्ञात होने पर ऋषिवर इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। ये तो सर्वथा उचित होगा। पुत्री मनसा के ज्येष्ठ के रूप में आप उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर अवश्य जाएं। माँ, स्वयं नागराज वासुकी दीदी मनसा का विवाह प्रस्ताव लेकर गए। तब तो प्रस्ताव सुनते ही ऋषिवर ने विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी होगी ना? हे ऋषिवर, मेरी बहन मनसा एक श्रेष्ठ तपस्विनी हैं, महादेव एवं देवी पार्वती की पुत्री हैं। उन्होंने महादेव की पीड़ा हरी है, जिसके लिए ब्रह्मदेव ने विष हरी का नाम दिया है उन्हें। अतएव आप हमारी बहन मनसा का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। हे नागराज वासुकी जी, मैं ऋषि हूं। प्रभु का नाम ही मेरा सर्वस्व है, तप मेरा धर्म है, और मैं अपने धर्म से कदापि भटकना नहीं चाहता। इसीलिए
सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त रहना चाहता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, परंतु मैं ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार कदापि नहीं कर सकता। ऋषिवर ने ये क्या किया माता? महादेव जिनके पिता है, ऐसी स्त्री के साथ को अस्वीकार कर दिया? और पिताश्री ने तो ये स्पष्ट कहा था कि यदि ऋषि जगतकारु ने दीदी मनसा से विवाह किया तो ही नागों को उनके विनाश से बचाया जा सकेगा। हाँ पुत्र, ऋषि जगतकारु ने ये जानते हुए भी विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और पुत्री मनसा को ये ज्ञात हो गया था। ऋषिवर की आभा में अद्भुत एक आकर्षण है। मुझे विश्वास है उन्होंने भी मुझे देखते ही स्वीकार कर लिया था। अस्वीकार कर रहे हैं आप? इसे स्वयं प्रभु महादेव की पीड़ा हरने का गौरव प्राप्त है। प्रभु महादेव एवं माता पार्वती की पुत्री मेरी बहन मनसा, उनसे आप विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर रहे हैं ऋषिवर? क्या ये सत्य नहीं? जब आपने उन्हें प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करते हुए देखा था तो आप उनसे आकर्षित हुए थे? हाँ, आकर्षित हुआ था। उनकी भक्ति से, उनकी आध्यात्मिक शक्ति से, उनके मधुर मंत्रोच्चारण से, पर देवी मनसा से नहीं। तो क्या ऋषिवर के मन के भाव को समझने में मुझसे ही कोई भूल हुई? आकर्षित हुआ था उनकी भक्ति से, उनकी आध्यात्मिक शक्ति से, उनके मधुर मंत्रोच्चारण से, पर देवी मनसा से नहीं। नहीं, मैं कदापि दुखी नहीं होंगी। कृष्णाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। आप पुनः विचार कर लीजिए ऋषिवर, कहीं ये प्रस्ताव ठुकरा कर आप कोई बड़ी भूल तो नहीं कर रहे हैं? जो अपने निर्णय पर स्थिर होते हैं उनसे कभी कोई भूल नहीं होती। वासुकी जी, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, साधना और प्रभु को भक्ति से पाना। इसीलिए मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि इस विवाह प्रस्ताव को मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु प्रणाम नागराज वासुकी जी। प्रभु, अब आपका ही आसरा है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए।
ऋषि जरत्कारु ने तो विवाह प्रस्ताव ठुकराकर मेरा मनोबल तोड़ दिया है। निराशा ने घेर लिया है मुझे प्रभु। हे प्रभु, मुझे तो विवाह की मंगल धुन के स्थान पर संपूर्ण नागवंश के विनाश का सर सुनाई दे रहा है। हे भुजगेंद्र हारम, यदि अब भी कुछ नहीं हुआ तो आपके इस भुजंग भूषण का विनाश भी तय है। धीरज रखने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर बड़े से बड़े संकट का भवसागर पार कर लेता है। धीरज रखिए नागराज वासुकी जी, मनसा के भ्राता के रूप में अभी तो एक ही बार प्रयास किया है आपने, सफलता का द्वार निरंतर प्रयास से ही खुलता है। कदाचित ऋषि जरत्कारु इस बार अपना निर्णय बदल लें। संभव है प्रभु। ये मैं कहां आ गया? ये क्या स्थान है? पुत्र 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 पर पुत्र पुत्र ये स्वर तो जाने पहचाने लग रहे हैं, जैसे पितामह और पिताजी मुझे पुकार रहे हैं, मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, किंतु ये स्वर आ कहां से रहे हैं? पर पुत्र पुत्र पर पुत्र 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 पर पुत्र 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 पितामा, पिताजी, आप यहाँ इस अवस्था में पाताल लोक और स्वर्ग लोक के बीच इस तरह अधर में क्यों लटके हैं? देख रहे हो पुत्र हमारी दुर्दशा, इस डाल के सहारे टिके हुए हैं हम। अरे मूषक, हटो हटो मूषक, अरे मूषक हटो हटो। नहीं पुत्र, तुम ऐसे हमारी सहायता नहीं कर सकोगे, इस मूषक को यहाँ से नहीं हटा सकोगे। किंतु पिताश्री, मैं क्या करूं? यदि ये यहाँ से नहीं हटेगा तो आप सब लोग नीचे गिर जाएंगे। हाँ पुत्र, हम पाताल के अंधकार में खो जाएंगे, स्वर्ग और अन्य उच्च लोकों की यात्रा नहीं कर सकेंगे पुत्र। नहीं नहीं नहीं, पिताश्री पितामा, आप लोगों ने तो जीवन भर पुण्य किए हैं, तो उसका ये परिणाम कैसे हो सकता है? आप अवश्य ही स्वर्ग जाएंगे। यदि मैं कोई सहायता कर सकता हूँ तो मुझे बताइए, मैं अवश्य करूंगा। विवाह कर संतान की प्राप्ति करनी होगी पुत्र। ये डाल तुम्हारा जीवन है और ये मूषक काल, जिस दिन काल इस मूषक की भांति तुम्हारा जीवन भी पुकार देगा, उस दिन हमें नर्क की आग में जलना ही होगा। मात्र तुम्हारा विवाह ही अब हमें नर्क में जाने से रोक सकता है पुत्र। नहीं नहीं, मैं अपने तप से नहीं भटक सकता, विवाह नहीं कर सकता, किंतु अपने पूर्वजों को इस अवस्था में भी नहीं देख सकता। पुत्र, पुत्र यही है एकमात्र उपाय। वंश आगे बढ़ेगा तभी हमें इन कष्टों से मुक्ति मिलेगी। पितृ ऋण चुकाना चाहते हो तो विवाह करना ही पड़ेगा पुत्र तुम्हें। विवाह कर लो पुत्र, विवाह कर लो, कर लो हमारे कष्ट हर लो पुत्र, हमारे कष्ट हर लो, हर लो। विवाह कर लो पुत्र, विवाह कर लो, कर लो विवाह कर लो पुत्र, हमारे कष्ट हर लो पुत्र, पुत्र हमारे कष्ट हर लो पुत्र, हर लो पुत्र। आप कुशल तो है न ऋषिवर? मैं आपका ध्यान संपन्न होने की प्रतीक्षा कर रहा था, इस आशा में कि इस बार आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं और आप जब तक हां नहीं कहेंगे मैं इसी प्रकार प्रस्ताव लेकर आता रहूंगा। देवाधिदेव महादेव के आदेश से
उनकी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेके मैं पुनः आपके समक्ष आया हूं। आपकी सहमति की अपेक्षा है। विवाह कर संतान की प्राप्ति करनी होगी पुत्र, तभी शास्त्र अनुसार हमारा उद्धार संभव है, अन्यथा हमें पाताल के अंधकार में खो जाने से कोई नहीं रोक सकता पुत्र। उचित है, मैं विवाह के लिए तैयार हूं, मैं विवाह के लिए तैयार हूं। मैं धन्य हो गया ऋषिवर, आपके इस निर्णय ने नागवंश को बहुत बड़े संकट से उबार लिया। बहुत बड़ा उपकार किया है आपने हम पर। मैं जाकर अभी ये शुभ समाचार माता पार्वती और बहन मनसा को सुनाता हूँ। रुकिए नागराज वासुकी जी, मुझे अभी कुछ और भी कहना शेष है। क्या ऋषिवर, अब क्या कहना शेष है? यही कि मैं विवाह तो करूंगा, किंतु उसके लिए मेरी तीन शर्तें हैं। कैसी शर्त ऋषिवर? कैसी शर्तें रखती है आपने? जिन्हें माता पिता का स्नेह प्राप्त है वे भाग्यशाली हैं, किंतु जिन्हें उनकी सेवा का अवसर प्राप्त है वे परम सौभाग्यशाली हैं।